अगर आप अपने फेसबुक अकाउंट को डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो सबसे पहले अपने फेसबुक ऐप को ओपन कर लो, फिर थ्री डॉट्स पर क्लिक करके सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लो, फिर सी मोर इन अकाउंट सेंटर में जाकर पर्सनल डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लो, फिर अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल में जाकर डीएक्टिवेशन और डिलीशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लो, फिर अपने फेसबुक प्रोफाइल को क्लिक कर लो, फिर आपको डीएक्टिवेट करना है यानी कि थोड़े टाइम के लिए बंद करना है, टेम्पररीली बंद करना है, तो फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करो, और अगर आपको परमानेंटली हमेशा के लिए डिलीट करना है अकाउंट तो सेकेंड ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। कैसे परमानेंटली डिलीट करें इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है डिटेल में, क्योंकि इसके आगे भी बहुत सारे कन्फ्यूजिंग स्टेप्स है, तो उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो बाद में देख लेना। इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि डीएक्टिवेट कैसे करें। तो डीएक्टिवेट वाले ऑप्शन फर्स्ट पर क्लिक करके कंटिन्यू करो, फिर आपको पासवर्ड पूछेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो मेरे चैनल पर एक वीडियो है फेसबुक पासवर्ड कैसे पता करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, तो वो देख लेना, और अगर आपको याद है तो बहुत अच्छे, एंटर कर लो। उसके बाद में कंटिन्यू पर क्लिक कर लो, और उसके बाद में आपको रीज़न पूछेगा, तो आप कुछ भी रीज़न डाल सकते हो। दिस इज़ टेम्पररी, आई विल बी बैक वाला फर्स्ट ऑप्शन मैं तो सिलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद में कंटिन्यू कर दूँगा। तो इसके बाद में आपको ये सब ऐसे पूछेगा, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको इधर टाइम सेट कर सकते हो कितने टाइम के लिए आपको रीएक्टिवेट करना है, तो इधर सिलेक्ट कर लो डोंट रीएक्टिवेट ऑटोमेटिकली, मतलब खुद से मत रीएक्टिवेट कर दो भाई, हमारी जब इच्छा होगी तब रीएक्टिवेट करेंगे, तुम मत करो, तो ये वाला चूज़ कर लेना, और उसके बाद में कंटिन्यू पर क्लिक कर दो। तो ये सब आपको दिखा, कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ डीएक्टिवेट माई अकाउंट वाले पर क्लिक कर देना है। तो अब आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो चुका है।